द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश लेखपाल संबंधित है। इसमें सामान्य ज्ञान के हम लोग 25 प्रश्नों को रोज़ाना हल कर रहे हैं और आज भी 25 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें आप लोग अंत में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न को देखते हैं सामान्य ज्ञान के। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की जुलाई 2014 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार में प्रभावशाली कमी की है? तो ये बताना है कि जो है जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, तो 2 जुलाई 2014 में यूरेनियम के भंडार में सबसे कमी की है, कौन सा देश है वो? उत्तर कोरिया है, ईरान है, इराक है या लीबिया है? कमेंट करके आप लोग अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। चलिए बताइए, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा करके ABCD के रूप में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि ईरान ने यूरेनियम के भंडार में प्रभावशाली की कमी की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मंच जो UN वुमेन ने अपने ही फारसी अभियान हेतु जुलाई 2014 में किसे अपना सद्भावना राजदूत मनोनीत किया है? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है मनोनीत किसे किया है, सद्भावना राजदूत मनोनीत किया है, इस बारे में पूछा जा रहा है, वो भी जुलाई 2014 में। तो कौन है? J.K. राउलिंग हैं, या जूलिया रॉबर्ट्स हैं, या मारिया सारापोवा हैं, या ऑप्शन डी में जो लिखा गया है एम्मा वाटसन? कमेंट करके बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्मा वाटसन ने ही जो है इन्हीं को ही सद्भावना राजदूत के रूप में मनोनीत किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसने दक्षिण कोरिया में आयोजित 17वें एशियन खेल में भारत के लिए पहला पदक प्राप्त किया है? श्वेता चौधरी हैं, या पी कश्यप हैं, या संजीता चानू हैं, या दीपिका कुमारी हैं? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर सभी लोग लिखेंगे। तो इसमें कौन सा सही होगा, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, श्वेता चौधरी के द्वारा ही जो है 17वें एशियन खेल में भारत को पहला पदक प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में फोर्टालेजा घोषणा जो ब्राज़ील 2014 में हुआ था, उसके अनुसार मूलभूत संरचना भेद तथा सतत विकास की आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, इसका यानी कि NDB जो बैंक की स्थापना के लिए सदस्यों में बराबर हिस्सेदारी होने का प्रारंभिक पूंजी अंशदान कितना रहा? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को कितना कितना दिया गया है, 200 अरब अमरीकी डॉलर, 150 अरब अमरीकी डॉलर, या 100 अरब अमरीकी डॉलर, या 50 अरब अमरीकी डॉलर? कमेंट करके बताइए कितना अंशदान रहा इसका NDB में। तो इसमें जो अंशदान रहा वो आपका 100 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर इसका अंशदान रहा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं, जिसका है किस संगठन ने मार्च 2014 में भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश घोषित किया है? और आप लोग को जानकारी होगी कि अभी जल्द ही में पोलियो मुक्त जो है एक देश और घोषित हुआ। कमेंट करके आप लोग बताइएगा उस देश का क्या नाम है। लेकिन यहाँ पे 2014 मार्च की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित करने वाला कौन सा संगठन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है, या संयुक्त राष्ट्र संघ है, या रेड क्रॉस सोसाइटी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट है सही हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO शॉर्ट में लिखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके द्वारा जो है मार्च 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त देश घोषित किया गया था। ठीक, इसके साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो बताइए कौन है वर्तमान में महिला
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, तो ललिता कुमार मंगलम, गिरजा व्यास, ममता शर्मा, नजमा हिप्तुल्ला, कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए दिया, ए सही हो जाएगा, ललिता कुमार मंगलम। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं तो आपकी क्या है, रेखा शर्मा है, ठीक है, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं रेखा शर्मा है वर्तमान में। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। दिल्ली सल्तनत के पराभव्य में के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया है? तो चलिए बताइए कमेंट करके, कौन सा, अकबर के द्वारा किया गया था, या हुमायूं, या शाहजहां, या शेरशाह के द्वारा किया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि अकबर के द्वारा जो है स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था, ये ऑप्शन फर्स्ट अकबर सही हो जाएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पे, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, गोविंद घाट जो है हमारा, ये दो नदियों के संगम पे स्थित है, वो कौन सी दो नदियां हैं ये बताना है। चलिए बताइए कमेंट करके, अलकनंदा भागीरथी पर है, या अलकनंदा खिरोंगांड पे है, या क्या कहते हैं, अलकनंदा योम लक्ष्मण गंगा पे है, और उसका बाद, उसके बाद चौथा है अलकनंदा योम धौली गंगा पर है। तो इसमें जो है अलकनंदा योम लक्ष्मण गंगा पे, यानी भिंडार गाड़ पे ये जो है स्थित है गोविंद घाट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, कौन सा उत्तराखंड का एक जयो आरक्षी क्षेत्र है? कमेंट करके फटाफट बताइए। गोविंद कार्बेट, इसका पूरा नाम नहीं लिखा गया है, गोविंद पल्लव पंत है यहाँ पे, और यहाँ पे जिम कार्बेट है, यहाँ पे राजा जी, यहाँ पे नंदा देवी, जिम कार्बेट, ठीक। तो बताइए कौन सा एक जयो आरक्षित क्षेत्र है ये बताना है। तो इसमें नंदा देवी जिम कार्बेट नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा, ये जयो आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जाता है, जा रहा है कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो चलिए बताइए 35 का कौन सा सही हो जाएगा। नितल का तात्पर्य है कि जो है समुद्र के एकदम निचले तल की बात किया जा रहा है, तो सागरीय गर्त हो जाएगा, महासागरीय गर्त होगा, या महासागरीय ढाल होगा, या महासागरीय मग्न तट होगा, या गहरे सागरीय मैदान होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि गहरे सागरीय मैदान के रूप में जो होते हैं उन्हीं को महासागरीय नितन का जो है विस्तृत भाग माना जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले पे चलेंगे, ग्रेनाडा कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, या हिंद महासागर में स्थित है, या कैरेबियन सागर में स्थित है, या भूमध्य सागर में? कमेंट करके फटाफट अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। तो इसमें जो ये ग्रेनाडा स्थित है, ये कैरेबियन सागर में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रीन बीच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा, तो नगर का देशांतर क्या होगा ये बताना है। 97 अंश पूर्व होगा, या 87 अंश पूर्व होगा, या 87 अंश पश्चिम होगा, या 97 अंश पश्चिम होगा? कमेंट करके फटाफट उत्तर लिखते रहेंगे आप लोग, सही उत्तर को लिखिए फटाफट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ये 87 अंश पूर्व दिशा में जो है ये देशांतर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में, ब्रिक्स सदस्य कौन सा देश नहीं है, इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो ब्रिक्स का सदस्य जो नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है, चीन भी ब्रिक्स का सदस्य है, ब्राज़ील भी है, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स में सभी देशों के नाम को जोड़ा गया, जैसे बी से ब्राज़ील, और आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे सऊदी अरब का नाम नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन समूह से संबंधित नहीं रखता है?
कौन है समूह से जो संबंधित नहीं रखता है? तो इसमें नीस जो है ये समूह से संबंधित नहीं है, बाकी सारे जो है समूह से संबंधित रखते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे इसी के साथ चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य। ठीक, तो अगर आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को रोज़ाना हल कर रहे होंगे तो पिछले प्रैक्टिस में आप लोग को बताया गया रहा होगा कि 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था। कमेंट करके बताइए कि कौन सा। केरल लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश होगा, मणिपुर होगा, राजस्थान होगा या मिजोरम होगा। तो उत्तर इसके अनुसार बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, लेकिन केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न पूछा जा रहा है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है? रसाकर्षण कहलाता है या श्वसन कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण या रस संकुंचन। कमेंट करके फटाफट बताते रहेंगे उत्तर को। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया कहलाता है, इसी के कारण जो है यानी कि प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जो हम लोग काम को करते करते या किसी वर्क को करते करते हमको थकान महसूस होता है तो उसका क्या कारण है, उसमें कौन सा अम्ल उत्तरदायी है ये बताना है। जैसे कहते नहीं, हम लोग ज़्यादा जिस दिन काम कर लेते हैं तो उस दिन हमको जो है थकान महसूस होने लगता है, तो जो थकान महसूस होता है उसके लिए कौन सा अम्ल जो है उत्तरदायी होता है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन लैक्टिक अम्ल जो होता है, इसी के कारण हमको थकान महसूस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीय प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए? तो DPT जो बच्चों को दिया जाता है वो आपका क्या कहते हैं, रोहिणी, कुक्कर, खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका जिक्र किया गया है। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, इबोला वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है? चलिए बताइए, तो इबोला वायरस का नाम जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो ये एक नदी के नाम से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसके चयापचयी क्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो कौन सा वो है जिसके चयापचयी क्रम से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है या खनिज है? तो इसमें प्रोटीन के उपापचयी के कारण जो है हमको सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक, और अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो इसमें जो मृदा हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, आप लोग को इसमें कौन सा बताया गया है 45 नंबर में? 45 नंबर में ये प्रोटीन नहीं होगा, यहाँ पे वसा हो जाएगा। ठीक है, वसा इसका राइट आंसर होगा, सही कर लीजिएगा उत्तर को अपने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हाँ, इसमें जो है निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा पूछा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मखरला लेटराइड मिट्टी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा जलडमरू मध यानी कौन सा स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। बेरिंग है, वास है, बेबल मंडेव है या पाक है? चलिए स्टेट की बात आ गई है जलडमरू मध्य की तो बात ही कर लेते हैं। तो बेरिंग जल संधि जो है ये हमारा अलास्का के पास, जो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है। ठीक, और आपका ये वास जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, और पाक जलडमरू मध्य आप लोग जानते हैं ये जो है आपका क्या कहते हैं श्रीलंका को, क्या कहते हैं श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो
पादप जल संबंधों में ये जो निशान है, चिन्ह है यानी प्रतीक है, का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इस चिन्ह का प्रयोग जो है प्रसरण के लिए दर्शाने के लिए किया जाता है, या प्रसरणी दाब के लिए, या जल विभव के लिए, या विलीय विभव के लिए। कमेंट करके अपने उत्तर बताइए फटाफट, कौन सा सही होगा इसका। तो इसमें ये प्रतीक जो है आपका जल विभव के लिए ये दर्शाया जाता है इस प्रतीक को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पशुओं में हीमोग्लोबिन की सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो 49 में यानी 49 नंबर में कौन सा सही होगा? तो इसमें क्लोरोफिल जो है इसका सही हो जाएगा। ये इसी के कारण ही पशुओं में होमोग्लोबिन के सदृश पौधों में अणु उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न है, और प्रतिजन क्या होता है ये पूछा जा रहा है। प्रतिजन जो होता है वो आपका प्रतिरक्षी का अवशेष होता है, या प्रतिरक्षी का परिणाम होता है, या प्रतिरक्षी के विपरीत होते हैं, या प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है। तो प्रतिजन जो होता है ये आपका प्रतिरक्षी के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ अब तक 25 प्रश्नों के हल कर लिए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के कितने प्रश्न में सही हुए हैं, या कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे या अपने मन में बनाए होंगे। तो 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को आप लोग अवश्य लिखिएगा। ठीक, इसी तरह हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिया ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।